ઉત્તર પ્રદેશમાં હિન્દુવાદી નેતા કમલેશ તિવારીની હત્યા બાદ હિન્દુવાદી નેતાઓને ધમકીઓ મળી રહી છે. વિશ્વ સનાતન સંઘના હિન્દુવાદી નેતા ઉપદેશ રાણાને ફોન પર જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવ્યા બાદ તેઓએ નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આજે ફરીથી તેઓને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળતા તેઓએ શહેર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. જી, મેં ઉપદેશ રાણા और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जब से कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई है मुझे लगातार सलीम कास्कर, दाऊद इब्राहिम के नाम से धमकियां मिल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि एक को तो मार दिया है और उपदेश राणा बहुत जल्द तेरा भी कमलेश तिवारी जैसा हाल होगा. अभी जिस दिन पिछले महीने 18 तारीख को कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई उसी दिन शाम को करीब 8:30-9 बजे जो मेरे संगठन के विश्व सनातन संघ के महासचिव हैं प्रदेश अध्यक्ष मयूर मिश्रा जी उनको एक व्हाट्सएप आता है जिसमें कमलेश तिवारी जी की डेड बॉडी थी और नीचे लिखा हुआ था नेक्स्ट उपदेश राणा कि अगला नंबर उपदेश राणा का है. तो मैंने उनको बोला, उन्होंने वहां पर उसकी FIR की. 19 तारीख में माखडोन मध्य प्रदेश से मैं निकल रहा था, मुझे बोला कि उपदेश राणा बोल रहा है. मैंने बोला हाँ उपदेश राणा बोल रहा हूँ. जो कमलेश तिवारी का हाल हुआ है वही तेरा हाल होगा, कितना भी छुप के बैठ जा तेरी हत्या हम एक महीने में कर देंगे. उसके बाद मैं कच्छ में प्रोग्राम में गया गुजरात में, तो वहां से बोला गया मुझे कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ. पाकिस्तान से मुझे वो कॉल थी, +92 भी लिखा हुआ था, नंबर भी मैंने जांच एजेंसी को दिए हैं कि पाकिस्तान से लड़के निकल चुके हैं, बहुत जल्द तेरी हत्या कर देंगे. अभी मैं नरोडा में था 2 दिन पहले, मुझे वहां पर भी धमकी आई कि तू अपने मकान में उपदेश राणा ऊपर है या नीचे है, कहां पर है. ये भी बोला गया दूसरी कॉल से कि हम दुबई से आ रहे हैं, 3 दिन बाद VT स्टेशन मिल मुंबई में, हम तुझे हत्या करनी है, तुझे जान से मारना है. अभी मैं भरूच से निकल रहा था, कल रात्रि की बात है, और वहां पर बोला गया कि मैं दुबई से बात कर रहा हूँ बुर्ज खलीफा से, 4 दिन में उपदेश राणा तेरा मर्डर कर देंगे. तो मैं सिलसिला मैं आपको बता रहा हूँ कि धमकी देने वाले धमकी कंटिन्यू दे रहे हैं, कभी दाऊद के नाम से, कभी सलीम कास्कर के नाम से, और मेरे पास सब रिकॉर्डिंग्स है. आई हैव ऑल रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल नंबर्स.